डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मर्च फाइल्स इन आई एस पी एस एस सॉफ्टवेयर मर्च फाइलिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है uh, जब आप एज आ रिसर्चर एक बड़े प्रोजेक्ट uh, पर काम कर रहे हैं और फील्ड में डिफरेंट साइट्स पर डेटा कलेक्ट हो रहा है और वह डाटा आपको सेंड किया जा रहा है तो आप बजाय एक एक फाइल को खोल कर कापी पेस्ट करें मास्टर फाइल में डाटा साइट उसकी बजाय हम मर्ज फाइल का ऑप्शन यूज करते हैं और आ, उस ऑप्शन को यूज करते हुए हम डाटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं द मर्ज फाइल प्रोसीजर्स मर्ज द एक्टिव डाटा सेट विद एन अदर ओपन डाटा सेट और फाइल लोकेटेड इन योर कंप्यूटर द एक्टिव डाटा सेट कैन बी मर्ज विदेटा फाइल दैट कंटेन्ज द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट केसेस और द सेम केसेस बट डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सिमिलर रहें और उसमें केसेस और ऐड हो जाए या सिमिलर जो केसेस हैं उस पर आपने एक दो तो और वेरिएबल्स उसमें ऐड इन कर लें तो हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है तो इसके प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है आपने वो डेटा की टैब को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मर्ज फाइल की जो है ऑप्शन को क्लिक करना है जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास आ, ये आ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अगर तो आपका जो डेटा सेट जिसको आपने मर्ज करना है अपनी फाइल में वो ओपन है तो आपने ये एन ओपन डेटा सेट में वो आपके पास शो हो रहा होगा और अगर वो डेटा सेट ओपन नहीं है और वो आपके कंप्यूटर पे कहीं लोकेटेड है तो आप फिर उसको एन एक्सटर्नल एस पी एस एस फाइल की कमांड यूज़ करते हुए लोकेट करके ब्राउज कर सकते हैं तो आ, आ, इसको जब आप आ, जो है मर्ज की ऑप्शन को ओके okay करेंगे तो ये वेरिएबल्स एक्चुअली सारे इधर होंगे और जब आप मर्ज फाइल की कमांड यूज़ करेंगे तो ये आपके पास इधर आ जाएंगे क्योंकि ये सारे सिमिलर वेरिएबल हैं अगर इसमें कोई डिसिमिलर वेरिएबल होता फॉर इंस्टेंस हमारे पास आई का एक वेरिएबल होता इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का और वो जो आपका जो मर्जर फाइल है अगर उसमें है तो वो फिर यहीं पे रहेगा क्योंकि आपके मास्टर फाइल में वो वेरिएबल नहीं है आ, आ, जब आप ये कमांड सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद फिर आपने ओके okay पे क्लिक करना है ओके okay पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आ, वो आ, जो है डेटा सेट का हिस्सा बन जाएगा आ, दूसरा मर्ज फाइल में हम आ, आ, जो है वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं तो ऐड वेरिएबल्स uh, के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और उस पर क्लिक करने के बाद आप ओपन डाटा सेट या क्लोज डाटा सेट दोनों से आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हम जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं वो आई क्यू का है बाकी वेरिएबल सिमिलर हैं हम सिर्फ आई क्यू का वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो जब हम वेरिएबल आई क्यू का ओके okay करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा तो ये एक तरीक़ाकार है कि आप बहुत सारी अगर जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका डाटा आ रहा है तो आप उसको एक मास्टर फाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं थ्रू मर्च फाइल्स